सर्वप्रथम हम आई एहि जनता के हम अपन ग्रामीण के हम अपन सब शुभचिंतक के सब वोटर सपोर्टर डिवोटर सबके पहले हम नमन करे छियन कि अपार भीड़ लग अपने आप हमरा पीछू एलखिन हन पहले हम धन्यवाद दे छियन। दोसर आई मीडिया बंधु सबके हम धन्यवाद दे छी कुछ हमरा देरो भेल अपने सब आदमी एहि जगह इंतजार कर रहल यन चूंकि हम बुझे छी जे अहाँ सब हमरा से भी रहे छी जे नहि अच्छा छै सब आदमी जनै छी 10 साल हम अपने के पंचायत के तन मन से सेवा केलिए हन और फिर हम आगे जे भी हमरा जनादेश मिलते पुनः जे रूप से सेवा कैली हन हम करत रहबे इएह संकल्प के साथ आई ये घोषणा करै छी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड की बात करें तो पतोर पंचायत के निवर्तमान मुखिया अवनीश मिश्रा पहुंच चुके हैं नामांकन करने के लिए। ये नामांकन हॉल का दृश्य है जहां पर वीडियो रागिनी साहू मौजूद रहती हैं और नामांकन के सभी पेपरों को चेक किया जाता है। उसके बाद बता दें कि प्रस्तावक जो होते हैं उनका भी यहाँ पर पेपर चेक किया जाता है। उसके बाद लगातार बता दें कि नामांकन प्रक्रिया जारी होता है। जैसे ही उम्मीदवार बाहर आते हैं उनके समर्थक में जोश आ जाती है और रंग गुलाल और माला लेकर समर्थक मौजूद रहते हैं। सामने देख सकते हैं ये दृश्य हायाघाट प्रखंड मुख्यालय का है जहां पर प्रशांत कुमार ये देख सकते हैं यहां दिख रहे हैं और ये अवनीश मिश्रा जो मुखिया है उनके पूरे ग्रामीण दिख रहे हैं। अवनीश मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा वो तो आपने सुना है और आगे भी हम आपको सुनाएंगे। ये उनके गाँव का दुर्गा मंदिर है जहाँ पर वो दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। आशीर्वाद लेकर सुबह जब वो निकले थे नामांकन के लिए तब भी वो यहाँ से निकले थे, पूरे परिवार पूरे गांव के लोगों का आशीर्वाद उन्होंने लिया था। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ये दुर्गा मंदिर और महादेव मंदिर जो हनुमान मंदिर है ये पतोर पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण में ही है। यहाँ पर वो पहुँचते हैं और आशीर्वाद और दर्शन लेने के लिए आते हैं। खासकर हम बात कर रहे हैं पतोर पंचायत के नहीं, उनके समर्थक जो हैं दूर दूर तक हैं या फिर वो देकुली गांव के हो या थलवारा गांव के हो, चंदन कुमार हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा कि लोग यहां पर आज रैली में नामांकन प्रक्रिया में आए थे और उनको उनके साथ उनको समर्थन। नामांकन के बाद अवनीश मिश्रा ने बताया कि हमारे पंचायत के हर गाँव हर मोहल्ले हर आदमी से आप बात कर सकते हैं और 10 वर्षों के कार्यकाल के बारे में आप पूछ सकते हैं। हमने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया और सीधा सवाल किया कि क्या मुखिया अवनीश मिश्रा जो निवर्तमान मुखिया हैं उनके ऊपर अगर आरोप लगाया जाए तो क्या लगेगा। लोगों ने कहा कि आरोप तो नहीं लगेगा लेकिन आरोप एक ही लगेगा कि स्वच्छ मुखिया और ईमानदार मुखिया का इनके ऊपर आरोप लग सकता है। बड़ी बात देख सकते हैं यहाँ गुड जो सभी लोग यहाँ पर माला देकर स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लड्डू का स्वागत उन्होंने किया। ये सभी लोग जो गांव के युवा हैं सभी लोगों ने खासकर अवनीश मिश्रा को अपना आइडियल भी मानते हैं। लोग हमेशा मेहनत में लगे रहते हैं। कुछ महीने पहले की बात है जब अवनीश मिश्रा के ऊपर एक आरोप लगा था उस समय में पूरे गांव एकजुट हो गए था और उसी दिन खासकर रिलीज करना पड़ा था पुलिस प्रशासन को। ये बड़ी बात उनके खेमे में जाती है और खासकर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे काम जहाँ पर अवनीश मिश्रा अपनी छवि को दिखाते हैं और लोग पूरे समर्थन में रहते हैं ये बड़ी बात है। खैर इस वक्त ये बात है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें गांव के लोग पंचायत के लोग कैसे आशीर्वाद देते हैं ये देखने की बात है। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंटरव्यू फिर से सुनाते हैं एक बार दुर्गा मंदिर प्रांगण से कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है, क्या सोचकर आज नामांकन किया आपने? और जैसा कि नामांकन आज हमने किया है निश्चित रूप से हर व्यक्ति घर से निकलते हैं तो कुछ सोच के चलते हैं। हमारे जो पंडित जी जो अभी वर्तमान में मंदिर पर हैं ही उन्हीं के द्वारा हमें समय दिया गया था कि शनिवार के दिन ही चौथ तिथि को ही आज नॉमिनेशन करना है आपको। उनके आदेश के अनुसार आज हमने नॉमिनेशन किया। जितने भी गांव के गरीब गुरबा हर वर्ग के लोग आज अपार जन समर्थन मेरे पीछे लेके एकाएक पहुँच गए ब्लॉक। कुछ देर के लिए लगा कि कहीं ब्लॉक प्रशासन या संहिता के कारण कोई परेशानी न हो लेकिन हमारी जनता हमारा एक एक बंधु एक एक भाई एक एक माँ बहन जितने भी लोग गई थी इतनी सज्जनता से और अपने आप को पूरी आचार संहिता का अनुपालन करते हुए सहनशीलता से पूर्णतया समय दे करके और अभी हम लोग नॉमिनेशन करके वहाँ से आए हैं। मैं तमाम जनता को अपने गांव के एक एक गरीब गुरबा माँ बहन सबको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से दे रहा हूँ जो इसी तरह प्यार सम्मान बनाए रखेंगे। क्योंकि मैं विगत 10 वर्षों से पूरे गाँव की अपने सत्य कर्म निष्ठा पर चल करके मैंने सेवा किया है। जो सरकारी निर्देश जो सरकारी अनुपालन उसी के तहत मैंने काम किया
और उसी के तहत सब लोगों का काम हुआ है, गांव विकासशील है, गांव विकास की ओर बढ़ा है और मुझे स्वयं अपने कार्य से संतुष्टि है और मेरी जनता भी मुझसे संतुष्ट है और मुझे परम विश्वास है कि पुनः मुझे जनता अपार बहुमत से जिताएगी और मैं मुझे सेवा करने का मौका दूंगी। मुखिया जी ये बताएं कि इससे पहले जो पांच वर्ष जो बिताया आपका, इसमें आपने क्या करके दिखाया है पंचायत को जो आज फिर से आपने नामांकन किया है? विगत मैं पांच वर्ष नहीं, मैं दस वर्षों की बात जी पांच साल पांच साल मैं दस वर्षों की बात करता हूं। मैं लगातार दस वर्ष पूरा करके और मैं तीसरी पारी की तैयारी में हूं। इस नाते मैं बता देता हूं कि मेरे गांव में अगर विकास की बात की जाएगी तो मैं क्या कहूंगा, आप गांव में एक एक व्यक्ति से जाकर के बात कीजिए कि मेरे गांव में चलने लायक एक भी सड़क नहीं था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय मैं 11 में बना था। बैसाख महीना में लोग सड़क पे चल नहीं सकते थे और आज भादो के समय में पूरा इतना बड़ा मौसम इस बार वर्षकाल का हुआ है, कोई ऐसा रोड नहीं है जहां लोग आसानी से आ और जा ना सके। सही बात, गांव गांव गली गली। लेकिन मैं अपने मुंह से यह कहना नहीं चाहता, आप मीडिया बंधु से हैं, आपको बहुत बहुत हम वैसे भी आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप गाँव के गली गली में स्वयं घूम लीजिए और गाँव की सड़क, गाँव के रोशनी की व्यवस्था, गाँव में एक समन्वय। आज के डेट में जितने भी लोग गरीब गुरबा सब मेरे साथ हैं और उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग पुनः मुझे मौका देंगे। और चूंकि इन लोगों का आदेश मिला कि आप लगातार जब तक आप स्वस्थ हैं दुरुस्त हैं आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज जी के नामांकन में आए थे, क्या कहना चाहते हैं उनके व्यक्तित्व के लिए? उनके लिए एक नंबर आदमी है, इससे पहले 10 वर्ष मुखिया रह चुके हैं, खड़ा हुए हैं, फिर जीतेंगे। कैसा उनका कार्यकाल रहा है? एक नंबर। शिकायत अगर करना चाहेंगे तो क्या शिकायत उनका करेंगे? कोई शिकायत नहीं। आप कहाँ से आए थे? पटोर से। क्या नाम हुआ आपका? हजबल्लाव राय। नरेंद्र मिश्रा जी, 10 साल जो रहे हैं ना, बहुत अच्छा से पंचायत को चलाए हैं। ऐसे में अगर अच्छा जो बोल रहे हैं, क्या गिनती करवाना चाहते हैं तो बताएं। विकास उनके जीवन में अच्छा हुआ हम लोगों का। क्या विकास? विकास रोड का विकास हुआ और जितना काम है सब कुछ का विकास हुआ। घर मिला है सबको? घर हाँ लगभग। घर में घूस भी लिया जाता है? ना आप जानते हैं, देखिए। हाँ हम जानते हैं। तो कोई शिकायत अगर करेगा तो क्या शिकायत होगा उनका? उनका शिकायत और कुछ नहीं होगा, हमको ही नहीं मिला था, हमको ही नहीं मिला, इसलिए इतना और शिकायत नहीं होगा। जैसे जो हमको नहीं होना चाहिए, हम चाहेंगे जो हमको हो, तो कैसे हमको हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जो मुखिया अविनाश मिश्रा हैं, आज जो नामांकन किए हैं, आदमी उनको वोट क्यों देगा? उनके क्रियाकलाप से, उन्होंने जो पंचायत का सेवा किया है विगत 10 वर्षों में, उसे काम के आधार पर उनको वोट देगा। क्या काम किया उन्होंने, क्या आपको लगा कि विकास का, जो भी पंचायत का विकास का काम होता है वो उन्होंने सही रूप से किया। क्या नाम हुआ आपका? अमरिंदर कुमार जी।